हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, एवरेज का पार्ट थ्री पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख रखा है, इसके बारे में बातें करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखो दोस्तों, ये जो एवरेज वाला चैप्टर होता है ना, कभी कभी एज पे आधारित, एज प्रॉब्लम जो आप पढ़ेंगे उसको पढ़ाएंगे एक चैप्टर के रूप में, तो उसमें भी दे देता है। तो इसको लगाने में वहाँ पे दिक्कत होती है, क्योंकि इसका जो रूल होता है एवरेज के रूल से इसको लगाया जाता है, और वहाँ पे जो होता है एज प्रॉब्लम वाले आपका अलग रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ये क्वेश्चन क्या होते हैं, काफ़ी अलग तरीके से हैं, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक, क्या है पहला क्वेश्चन, कह रहा 5 वर्ष पहले पति पत्नी और की औसत आय 23 वर्ष थी। पति पत्नी की औसत आय कितनी थी, 23 वर्ष थी, तथा वर्तमान में पति पत्नी व उसके बच्चे की औसत आय 20 वर्ष है। क्या है बाबू, 20 वर्ष है, तो बच्चे की आय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बच्चे की आय ज्ञात करना है। ठीक, आइए देखो, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, अगर हम प्रेजेंट की बात करें, यहाँ देखिए हम समझा रहे हैं, बस ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट इस समय क्या चल रहा है, वो 2023 चल रहा है। ठीक, 2023 चल रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 वर्ष पहले जाओ, माने -5 ईयर, तो बताओ कौन सा ईयर होगा वो? आप कहोगे सर वो 2018 होगा। ठीक, तो 2018 में जो थी उसकी ये कितनी थी, 23 वर्ष थी। कितनी थी, 23 वर्ष थी। ठीक, तो मैं कहूँ कि प्रेजेंट में क्या होगी, इस समय को मतलब 2023 में, तो 2023 में होगी, तो 23 में आप क्या करोगे, 5 ईयर जोड़ोगे तभी तो प्रेजेंट पता चलेगी। कहोगे हाँ सर, तो आप 23 में क्या करिए, 5 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगी बाबू, 28 वर्ष हो जाएगी। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, क्या बताना चाह। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन कौन है बाबू, आपका पति है, पत्नी है, ठीक है ना, और बच्चा, तीन लोग हैं, पति पत्नी और बच्चा तीन लोग हैं। तो इनकी औसत आय कितनी है, देखो आपका बता रहा है कि इनकी औसत आय 20 वर्ष है, तो पहले हम निकालते हैं किसकी, पति पत्नी की औसत आय वर्तमान की, ये मतलब हस्बैंड और वाइफ। ओके, तो हस्बैंड और वाइफ की अगर वर्तमान आय देखा जाए कितनी आएगी, 28 वर्ष, हमने यहाँ लिख दिया क्या, 28 ईयर्स। ओके, अच्छा ये क्या है आपका, बच्चा भी उसका है, ठीक, चाइल्ड, यानी इसको सी से दर्शा देते हैं, तो जब हस्बैंड वाइफ और बच्चे की औसत आय बताया जा रहा है यहाँ पे, कितना होगा आपका, 20 वर्ष, कितना बताएगा भैया, 20 वर्ष, नहीं 20 ईयर, कितना बताएगा, 20 ईयर। ठीक, अच्छा अब क्या किया जाता है, रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि यहाँ पे जो मतलब जो सब यहाँ पे क्या तीनों की है औसत आय 20 ईयर। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका होता है मतलब जो औसत दिया रहता है उसमें से हम जो आपका सबका होता है औसत, उसमें से घटाया जाता है, बताया ही तो था मैंने, तो इसलिए क्या किया जाएगा यहाँ से, अब घटाया जाए कितना, 28 माइनस 20। अच्छा, जो घटाओगे उसमें देखो कितने लोग हैं, 1 2, समेशन निकाल रहे हो ना, आपका फार्मूला क्या है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बट्टे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है तो एवरेज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से गुणा करना पड़ेगा, वही बात हम कर रहे हैं। यहाँ क्या ये आपका एवरेज आ जाएगा, 28 से 20 घटाओगे तो, अगर संख्या से गुणा कर दोगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी संख्या, 1 2, कितना आएगा बाबू आपका, घटाओगे 8 × 2, मतलब कितना आ गया आपका, +16 आ गया, कितना आ गया, +16। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, एवरेज का मतलब क्या होता है, बताया था मैंने, एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसका डिविएशन यानी विचलन जो होना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। अगर ये +16 आया है तो इसका मतलब इसके लिए क्या आएगा आपका, ये -16 आने वाला है, तभी तो डिविएशन जीरो होगा। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या रखना है, अब देखो यहाँ कितनी संख्या है, 1 है,
ये क्या आया आपका, ये आपका इसका आपका जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, ठीक। अब इसमें कितने भाग करोगे, एक से, अगर एक से भाग कर दोगे तो ये एवरेज आ जाएगा, कितना आएगा आपका, एक -16। अब यही ध्यान देना है, अब यही ध्यान देना है, इस -16 को हमें इस सब में से घटा देना है, इसमें से घटा देना है, इसमें से अगर घटाएंगे हम -16 को, कितना आएगा वो हमारा 4 ईयर, कितना आ जाएगा 4 ईयर। यही 4 ईयर क्या हो जाएगी, बच्चे की एज हो जाएगी, बात समझ में। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, कितना आएगा 4 वर्ष। कैसे आया समझ में ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन आपको जब परीक्षाओं में आते हैं तो काफ़ी फंसाते हैं, दिक्कत करते हैं, समझ में नहीं आता है, समझ में आ गया होगा, ठीक। इसे उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए उतार लिया मुझे, मिटाते हैं इसको, तो उसका उत्तर आएगा कितना 4 वर्ष, बच्चे की आयु कितनी होगी 4 वर्ष। लाइट चली गई है फिर भी हम लगाएंगे, ठीक, दिख रहा है उसमें। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इसको नहीं मिटाते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आय कितनी बाबू, 17 वर्ष है। औसत आय कितनी दोस्त, 17 वर्ष है, ठीक। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज भी परिवार की जो औसत आयु है वही है, वही मतलब 17 वर्ष ही है, औसत आयु है याद रखना। तो बच्चे की आयु बताना है, बच्चे की आयु बताना, अच्छा 3 वर्ष पहले का है, प्रेजेंट हम मान लेते हैं 2023 होगा, तो 3 वर्ष पहले यानी -3 ईयर, ठीक, -3 ईयर, तो -3 ईयर मतलब 3 वर्ष पहले का मतलब 2020 की बात कर रहा है, मान लो 2020 की बात कर रहा है, 2020 में जो 5 व्यक्तियों औसत आय कितनी थी, 17 वर्ष थी, 17 ईयर थी, ठीक होगा, एक तो थी, अच्छा। आज अगर मैं पूछूं तो कितनी होगी 2023 में, आप कहोगे सर 17 में आप 3 जोड़ दीजिए 20 वर्ष हो जाएगी, ये कहें क्या, ठीक। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, कितने लोग हैं बताओ, 5, कितने लोग हैं, 5 लोग, देखो 1, 2, 3, 4, 5, परिवार में 5 लोग हैं, ओके। अब 5 लोगों की जो औसत आयु है प्रेजेंट में कितनी है, 20 वर्ष, कैसे है समझाया मैंने, ये है 20 इयर्स, ओके। फिर क्या कहा क्वेश्चन में, इस परिवार में बच्चे का जन्म हुआ, एक बच्चे का क्या हुआ, जन्म हुआ, मान लीजिए ये चाइल्ड है, इसका जन्म हुआ, ठीक, तथा आज भी परिवार की औसत आयु वही है, मतलब वही है, मतलब क्या 17 वर्ष ही, आज भी क्या है, अब सबका भी औसत आयु मिलकर भी 17 ईयर ही है आज भी, ओके। ये क्वेश्चन था आपका, ओके। तो कह रहा था बच्चे की आयु बताना है, इसकी आयु बताना है, तो आप बताइए आपका, अब यहाँ पर हमने क्या बताया था, अभी ये सबकी आयु होती है, इनका जो औसत दिया जाता है उसमें घटाया जाता है, यानी यहाँ पे भी जब हम काम करेंगे लिखेंगे 20 - 17, अब गुणा किया जाएगा वो जितनी संख्या होगी, कितने 1, 2, 3, 4, 5, क्यों करेंगे, तो आप बताओगे कि आप जानते हैं सर हम एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बट्टे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालोगे तो एवरेज में जो एवरेज आएगा 20 में 17 घटाने पर 3, उसमें आपका संख्या से गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका 3 × 5, यानी आ जाएगा +15 ईयर आ जाएगा, ठीक। तो अगर यहाँ +15 ईयर है तो इसका इसके लिए क्या आएगा, -15 ईयर आएगा, ओके।
अच्छा संख्या कितनी है यहाँ बताओ, एक है, तो अगर एक से आप भाग कर दोगे तो एवरेज हो जाएगा, यानी -15 ईयर ये एवरेज जाएगा। अब इस एवरेज को हमें इस एवरेज में से घटा सकते हैं, ठीक। तो इसमें से अगर घटाओगे तो कितना आएगा बताओ, 2 ईयर आएगा आएगा। तो इसका मतलब बच्चे की जो आयु होगी कितने वर्ष का होगा बच्चा, 2 वर्ष का, उसकी आयु कितनी होगी, 2 वर्ष की होगी। बात समझ में आई क्वेश्चन की, क्वेश्चन समझ में आया। लाइट कट गई है लेकिन दिखाई दे रहा है, इसे उतार लीजिए बाबू, ठीक। समझ में आ रहा होगा, पूरा अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। चलिए ये क्वेश्चन के साथ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, उसे ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, समझने लायक क्वेश्चन कहने का मतलब है, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें एक मिस्टेक यहाँ पे गया, 42 का स्थान पे 48 कर लीजिएगा, यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया है, ठीक, 48 होना चाहिए, ओके है ना। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या हो, पुत्र के विवाह के समय, पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता और पुत्र की औसत आयु कितनी थी, 48 ईयर थी, यानी 48 साल थी, कितनी दोस्त, 48 साल थी, ठीक। तो पहले बात लिखी, माता थी मदर, यम दर्शा दिया, पिता के मतलब फादर और सन, इनकी जो औसत आयु थी बताया गया कि 48 ईयर थी, ठीक है, ओके। अच्छा फिर क्या कहा गया, देखो शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। अच्छा बताओ शादी किसकी हुई होगी, इनके बच्चे की शादी हुई होगी, तो मतलब एक दुल्हन भी आई होगी घर में, चलो ये हो गई दुल्हन, ब्राइड, ब्राइड मतलब दुल्हन होता है। अच्छा एक बच्चा भी पैदा हुआ गया, एक बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे को भी आप यहाँ दिखा दीजिए, लेकिन शादी के 1 वर्ष बाद हुआ है, याद रखना शादी के 1 वर्ष बाद हुआ है। फिर क्या कह रहा, आज शादी के 6 वर्ष के बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। अच्छा ये बताओ आज शादी के 6 वर्ष, यानी शादी के कितने वर्ष हो गए, 6 वर्ष, शादी की उस दुल्हन की शादी हुई है 6 वर्ष है, लड़का 1 साल बाद पैदा हुआ है, इसका मतलब लड़के की आयु कितनी होगी औसत, आप कहोगे सर 5 साल का होगा लड़का, 5 ईयर इसका भी लिख लेते हैं, ठीक। और टोटल औसत आयु बताया जा रहा है कितना है, 36 ईयर, 36 ईयर, 6 वर्ष के बाद परिवार का शादी। तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी ये बताना, कितना अच्छा क्वेश्चन बताओ, शादी के समय मतलब जब शादी हुई तब दुल्हन की उम्र कितनी क्या थी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये आपका हो गया, ओके। तो अभी मैंने बताया था आपको कुछ वक्त पहले कि हमारा ये जो सबका पूरे का औसत होता है उसमें से हम इन औसत को घटाते हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, तो 48 में से 36 को घटाएंगे। अब देखो जितनी संख्या होगी उसका पूरा कर देंगे, कितने, 1, 2, 3 का, क्यों करेंगे 3 का पूरा, क्योंकि हम जानते हैं सर कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है, यानी आंकड़ों का योग जो होता है, एवरेज गुणे आंकड़ों की गिनती, तो पूरा कर देते हैं, आंकड़ों की गिनती होगी 3, 1, 2, 3, और एवरेज कितना हो जाएगा, 48 में 36 घटाने पर जो आएगा कितना आएगा, यहाँ से 12 आएगा, गुणे 3, यानी आगे कितना, 12 3 36 ईयर, ये 36 ईयर आएगा, प्लस में आएगा। अच्छा अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ का तो आ गया, अब इस बच्चे का देखेंगे, इससे बच्चे का भी उसमें से घटाएंगे ना, अभी मैंने बताया, तो 5 - 36 करेंगे, और संख्या कितनी बताओ इसकी, 1, कितना आ जाएगा, -31 × 1 आ जाएगा, ये तो आएगा, ये कितना आ जाएगा दोस्त, अब यहाँ पे -31 ईयर आएगा, बोलो। अच्छा अब इनका हम क्या करेंगे,
इसको इसको जोड़ेंगे, और बट बात समझ में रही है, जोड़ो कितना आ गया, इसको इसको जोड़ो कितना आएगा आपका, यहाँ से जोड़ने में यानी इसका डेविएशन कितना आएगा, कितना आ जाएगा आपका प्लस फाइव। ठीक, इसका मतलब दुल्हन का क्या आएगा बताओ, माइनस फाइव आएगा, नहीं दुल्हन के लिए बताओ माइनस फाइव आएगा, ये प्लस फाइव ईयर आया ना तो माइनस फाइव ईयर आएगा। अगर हम इसमें दुल्हन वाले में एक से डिवाइड कर दें, देवरेज में बदल जाएंगे क्योंकि दुल्हन एक ही तो है, एक से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा माइनस फाइव ईयर आ जाएगा। अब इस माइनस फाइव ईयर को हमें क्या करना है, इसमें से घटाना है 36 में से, कितना आ जाएगा तब आपका 31 वर्ष। इसका मतलब दुल्हन की जो उम्र है कितनी वर्ष है, इस समय प्रेजेंट में 31 वर्ष है। तो दुल्हन कै साल की है, 31 साल की है प्रेजेंट में। तो कह रहा शादी से पहले, क्या शादी से, शादी के नहीं शादी के समय, इसलिए कहा जाएगा शादी के समय, लिखा जाएगा क्या शादी के समय दुल्हन की उम्र, उम्र दुल्हन की उम्र कितनी है, शादी कब हुई थी 6 साल पहले, तो इस समय 31 साल की प्रेजेंट में, तो 31 माइनस 6 कर लो कितना आ जाएगा वो 25 साल, कितनी हो जाएगी 25 साल। तो इसका मतलब क्या है, दुल्हन कितने साल की है इस समय, 25 साल की है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से यौवरेज आग संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं वो यौवरेज पे भी आधारित होते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन ऐसे लगाने में हमें दिक्कत होता है ना, और जो प्रॉब्लम एज बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं उनको तो हम बताएंगे, लेकिन ये एवरेज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप इसको अगर रोक के लगाने का प्रयास करोगे तो लगाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने इसको अलग से वीडियो बनाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, आप खुश रहिए, और अगर आपको मेरा वीडियो मतलब क्या बोलते हैं अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, और उसे भी करा दीजिए ताकि मैं और भी वीडियो आपके लाऊं जिससे आप लोगों का फायदा हो।